Hello students, how are you? In this video, we are going to learn about the math, math of class 5. In this video, we are going to learn about the lesson number 6, and the name of the lesson is Be My Multiple, I Will Be Your Factor. This is a part 1 video. This is a part 1 video. ये पार्ट वन है बच्चों इसमें हम सीखेंगे मल्टीपल क्या होते हैं एंड कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं हेयर वी लर्न अबाउट द मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल सो ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स देन पॉज द वीडियो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक And I have guaranteed that after watching full video, you will share this video with your friends. And also subscribe the channel if not and press the bell icon. Now, first one. first and basic concept of this lesson is multiple. What is the meaning of multiple? Multiples in math are numbers that we get when we... मल्टीप्लाय वन होल नंबर बाय अनादर होल नंबर फॉर एग्जाम्पल सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव इज द मल्टीपल ऑफ सेवन एक बार इसको हिंदी में समझाता हूं मल्टीपल क्या होते हैं है मैथ में ऐसे नंबर्स हैं दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन होल नंबर बाय अनदर होल नंबर एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम उसको कहते हैं उसका मल्टीपल अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा तो हम इसको हिंदी में पहाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको टेबल कह सकते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स। कैसे फर्स्ट वन राइट फाइ मल्टीपल ऑफ सेवन राइट फाइव मल्टीपल ऑफ सेवन तो सिंपल हमें सेवन के मल्टीपल लिखने हैं तो सेवन वन जा सेवन सेवन टू जा फोर्टीन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट सेवन फाइव जा थर्टी फाइव हमारा आंसर हो गया अब यहाँ पर कोई कोई कह सकता है कि सर मुझे यहाँ नहीं लिखना है मुझे सेवन सिक्स या फोर्टी टू से स्टार्ट करना है और आगे लिखना है सो इट्स ऑल्सो राइट आप तब भी सही है क्योंकि यहाँ लिखा गया है फोनली राइट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सेवन ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट मल्टीपल सेकेंड मल्टीपल ऐसा कुछ होता ही नहीं वैसे भी तो यहाँ पर है फाइव मल्टीपल्स तो यू जस्ट राइट द टेबल ऑफ द नंबर अप इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस नाउ कम टू वन मोर एग्जांपल एंड दैट इज सेकंड एग्जांपल इज राइट एट मल्टीपल्स एट मल्टीपल्स ऑफ थ्री एट मल्टीपल्स लिखो थ्री के तो चलिए थ्री का टेबल लिख देते हैं हो गया हमारा थ्री वन जापल लिखे सो मल्टीपल मींस नथिंग बट अ टेबल और इट जस्ट वेन यू मल्टीप्लाई नंबर बाय एंड अनदर नंबर एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है मल्टीपल चलो कुछ और एग्जांपल लिखेंगे राइट टू मल्टीपल्स ऑफ थर्टीन थर्टीन के दो मल्टीपल लिखेंगे तो थर्टीन वन जाए थर्टीन थर्टीन टू जाए ट्वेंटी यू कैन राइट एनी अदर मल्टीपल्स आल्सो आप और कोई भी मल्टीपल्स अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर हो गया मल्टीपल समझ में आ गए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं एंड वो कंसेप्ट है कॉमन मल्टीपल द कंसेप्ट इज कॉमन मल्टीपल अब मल्टीपल का मीनिंग आप समझ गए बच्चों कॉमन का मतलब क्या है एक एग्जांपल लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज राइट फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन मल्टीपल ऑफ़ थ्री एंड सिक्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा राइट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड सिक्स आपको थ्री एंड सिक्स के बीच में जो कॉमन मल्टीपल्स आते हैं वो पहला और दूसरा लिखना है तो करना क्या है देखिएगा कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए टू राइट द कॉमन मल्टीपल वी हैव टू राइट मल्टीपल फर्स्ट हम पहले थ्री के मल्टीपल्स लिखेंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन एंड ट्वेंटी वन अब मैं लिखूँगा सिक्स के मल्टीपल सिक्स के मल्टीपल सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर एंड थर्ट अब मुझे क्या करना है यहाँ पर बच्चों कॉमन मल्टीपल ढूंढना है कॉमन मल्टीपल का मीनिंग होता है ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो तो यहाँ देखोगे थ्री है इधर थ्री नहीं यहाँ सिक्स है यहाँ सिक्स है तो यहाँ ये यह जो सिक्स है ना ये पहला कॉमन मल्टीपल है ये मल्टीपल दोनों में है सिक्स इज द मल्टीपल विच इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री एंड सिक्स आल्सो ये सिक्स ऐसा मल्टीपल है वो थ्री का भी मल्टीपल है वो सिक्स का भी मल्टीपल है इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल सो ये पहला है इसीलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इसको मैं क्या कह रहा हूं फर्स्ट कॉमन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आगे चलते हैं नाइन यहां नाइन नहीं यहाँ ट्वेल्व है यहां ट्वेल्व है तो ये ट्वेल्व ये है सेकंड कॉमन मल्टीपल बस सेकंड कॉमन मल्टीपल ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है सेकंड कॉमन मल्टीपल और हमारा क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था राइट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड सिक्स तो हमने क्या किया थ्री और सिक्स के मल्टीपल लिखे पहला काम हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर थ्री एंड सिक्स के मल्टीपल लिखे और फिर दोनों का कॉमन मल्टीपल लिखा और दोनों का कॉमन मल्टीपल लिखा हो गया इसका फाइनल आंसर है फाइनल आंसर होगा इसका सिक्स एंड टेल्व सिक्स एक मिनट सिक्स एंड ट्वेल्व ये आपका आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड थर्ड एंड फिफ्थ थर्ड एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर तो थ्री एंड फोर का आपको थर्ड एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल निकालना है मैंने क्या बताया था पहला काम क्या करना है आपको तो थ्री के मल्टीपल लिखने हैं तो आपको ऐसे लिख सकते हैं थ्री थ्री के मल्टीपल्स अभी हमने लिखे थे थ्री का टेबल लिखना है एकदम सिंपल काम है ठीक है आप टेन के आगे भी लिख सकते हैं थ्री इलेवन जा थर्टी थ्री थ्री ट्वेल्व जा थर्टी सिक्स थ्री थ्री जा थ्री थर्टीन या थर्टी नाइन आप इसके भी आगे लिख सकते हैं अब हमें लिखने हैं फोर के कॉमन मल्टीपल क्योंकि हमें क्या ढूंढना था हियर वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फोर थर्ड एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ढूंढना है दोनों के बीच के तो चलिए फोर के लिखते हैं फोर के हम मल्टीपल लिखेंगे ये लिखे मैंने देखिए यहाँ पर मैंने थ्री के मल्टीपल लिखे हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी सिक्स सिंपल है प्लस थ्री करते जाइए आपको आगे टेबल मिलता जाएगा मल्टीपल्स मिलते जाएंगे सेम थिंग यहाँ पर हमने रिपीट की है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सिक्स फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी एट अब हम ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल अब हम ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल देखो यहाँ पर ये ट्वेल्व और ये ट्वेल्व मिला ठीक है तो पहला कॉमन मल्टीपल हमें मिला ट्वेल्व याद रखें हमें थर्ड और फिफ्थ ढूंढना है ठीक है अब दूसरा कॉमन मल्टीपल दूसरा है ये ट्वेंटी फोर ठीक है दूसरा मिला ट्वेंटी फोर तीसरा मिला तीसरा मिला थर्टी सिक्स ये तीसरा मिला थर्टी सिक्स चौथा और पाँचों हमें तो बाकी है तो इस तरह से हमारे बच्चों आगे जाएंगे तो ये थर्टी नाइन के आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्री के में टेव लिख रहा हूँ फोर्टी टू फोर्टी फाइव किसके आगे लिख रहा हूँ याद है ना पूछो ये इसके आगे थर्टी नाइन के आगे लिख रहा हूँ मैं फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी एट फिफ्टी वन 54, 57, 60. सेवन थ्री के मल्टीपल जो बच गए थे लिखे अब ये फोर के मल्टीपल में फोर्टी एट के आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर फिफ्टी टू उसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी वापस आते हैं हमें दो तीन कॉमन मल्टीपल मिले थे अब हम चौथे कॉमन मल्टीपल को ढूंढने जा रहे हैं यहाँ देखिए थर्टी नाइन के बाद यहाँ क्या आ रहा है फोर्टी टू इधर फोर्टी टू है क्या नहीं है फोर्टी एट है यहाँ फोर्टी एट है यस yes. तो बच्चों यहाँ ये यह फोर्टी एट है है ना इसको और यहाँ फोर्टी एट है इसको तो ये हमें मिल गया फोर्थ कॉमन मल्टीपल उसके आगे देखते हैं देखिए फिफ्टी वन फिफ्टी फोर फिफ्टी सेवन एंड सिक्सटी एंड ये अगर हम फोर का लिखेंगे तो फोर में भी सिक्सटी है तो यहाँ पर ये दो में कॉमन मिल गए तो ये है हमारे पास फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ये फर्स्ट वन दिस वन इज सेकंड दिस वन इज थर्ड दिस वन इज फोर्थ दिस वन इज फिफ्थ तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया देखिए ये है फर्स्ट ये है सेकंड ये है थर्ड है फोर्थ एंड ये है, है फिफ्थ तो हमारा आंसर है थर्टी सिक्स है तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे थर्टी सिक्स एंड सिक्सटी द थर्ड एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव थ्री एंड फाइव के ये दोनों कॉमन मल्टीपल है

टू एंड फाइव टू एंड फाइव के आपको फोर्थ एंड सिक्स कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो पहला में क्या करना पड़ेगा तो पहला में लिखने पड़ेंगे फोर टू के मल्टीपल फिर फाइव के मल्टीपल फिर ढूंढना पड़ेगा चलिए अब मैं टू के मल्टीपल लिखता हूँ एकदम सिंपल है सबको आते हैं ये ध्यान से लिखिएगा एक बार काउंट करते हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी एट फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी यहाँ फिफ्टी फाइव नहीं होना चाहिए था यहाँ फिफ्टी सिक्स होना चाहिए था यहाँ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी एट एंड सिक्सटी ये सिर्फ किसके हो गए कॉमन मल्टी ये सिर्फ टू के मल्टीपल हो गए अब हम लिखते हैं फाइ के मल्टीपल किसके मल्टीपल लिखेंगे फाइव के देखिए तो मैंने यहां पर मल्टीपल लिखे फाइव के टू के मल्टीपल लिखे फाइव के भी मल्टीपल लिखे अब हम फाइंड आउट करते कॉमन मल्टीपल दोनों में कॉमन होने चाहिए ऐसे वाले मल्टीपल देखिए यहाँ टेन है यहाँ टेन है ये पहला वागा हो गया यहाँ ट्वेंटी यहाँ ट्वेंटी दूसरा यहाँ थर्टी यहाँ थर्टी तीसरा देन यहाँ फोर्टी यहाँ फोर्टी ये फोर्थ हो गया यहाँ फिफ्टी है यहाँ फिफ्टी है फिफ्थ हो गया एंड यहाँ सिक्सटी है यहाँ पर भी सिक्सटी है सिक्स हो गया हमें फाइंड आउट करना था फोर्थ एंड सिक्स तो फोर्थ कॉमन मल्टीपल देखिए फोर्थ कॉमन मल्टीपल फोर्टी है एंड सिक्स कॉमन मल्टीपल सिक्सटी है तो आपका आंसर रहेगा फाइनल आंसर फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉमन मल्टीपल यहाँ चेंज होना आंसर फोर्टी एंड सिक्सटी फोर्थ कॉमन मल्टीपल फोर्टी है सिक्स्थ सिक्स कॉमन मल्टीपल सिक्सटी है <coughs> <coughs> तो मुझे लगता है इस तीन एग्जांपल में आप यह समझ गए होंगे कि कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं अभी और एक कंसेप्ट है इस तरह क्वेश्चन आता है Fourth multiple of nine is fourth multiple of nine is dash seventh multiple of twelve is fifth multiple of एटीन इज एंड और एग्जाम्पल ले रहा हूं टेंथ मल्टीपल ऑफ फिफ्टीन इज इस तरह के क्वेस्न भी एग्जाम में आ सकते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फोर्थ मल्टीपल ऑफ नाइन मतलब नाइन फोर जा करना है एंड आंसर इज थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्थ का सेवंथ मल्टीपल मतलब ट्वेल्थ सेवन जा एंड द आंसर इज एटी फोर नेक्स्ट वन इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ एटीन एटीन फाइव जा नाइन्टीन नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज टेंथ मल्टीपल ऑफ फिफ्टीन मीन्स फिफ्टीन टेन जा वन फिफ्टी सो इन दिस वे यू कैन डू द एंसर सच क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल एंसर्स डू अंडरस्टैंड तो जब भी फोर्थ मल्टीपल पूछा गया किसी का तो उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ दो नंबर है सेवन ट्वेल्थ मल्टीप्लाई किया फाइव एटीन मल्टीप्लाई किया टेन एंड फिफ्टीन को मल्टीप्लाई किया तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वाले वीडियो में पार्ट टू तो में हम फैक्टर्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा